जब मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही हो, जब मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा हो और जब किसी समस्या का समाधान नज़र ही ना आ रहा हो, तब एक काम करना, आराम से बैठना, एक लंबी गहरी सांस लेना और उसके बाद अपने बाबा का नाम लेना और उसके बाद फिर आराम से सोचना कि कौन सी ऐसी समस्या है जो तुम्हें परेशान कर रही है और कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान आज तक निकला ही नहीं है। मैं तुमसे एक बात बताता हूँ, आज बहुत ध्यान से सुनना। जिंदगी में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, हर समस्या का समाधान होता है। बात सिर्फ इतनी होती है कि हमें उस समस्या से परे होकर समाधान की तरफ सोचना पड़ता है। तुम सोच कर देखो, हर तरफ समाधान नजर आएगा, फिर समस्या नहीं रह जाएगी। इसलिए तुमसे बार बार कहता हूँ कि जब कभी ऐसी दौर आ जाए कि जहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समस्याएं दिखें, वहाँ पर मेरा नाम लेकर गहरी सांस लेकर एक बार आराम से सोचना, तुम्हें समाधान सामने नजर आएगा। और एक ऐसा समाधान नजर आएगा जिसमें तुम अपने आप को कभी अकेला नहीं पाओगे। ये तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और वो समस्या का समाधान ऐसा होगा जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, जो तुम्हारे आगे आने वाले कल के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर मैं कहूँ सबसे अच्छा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ में है, तो समस्याएं नहीं समाधान देखा करो, परेशानियां नहीं उपचार देखा करो। क्योंकि रोग नहीं देखा जाता, रोग का उपचार देखा जाता है। तो जब तुम्हारे साथ तुम्हारा उपचार साथ में है, तो फिर तुम रोग क्यों देखोगे, फिर तुम दर्द क्यों देखोगे। इसलिए तुम खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी में है। मुझे तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट सच में बहुत पसंद है। सदा खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो।